अम्मी अब इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी बेटा, 35 साल के हो गए हो तुम। अब शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? तो मैं शादी से इनकार थोड़ी कर रहा हूँ। आप मेरी पसंद की लड़की ढूंढ लीजिए, मैं शादी कर लेता हूँ। तुम्हारी रजामंदी भी इनकार के बराबर ही है बेटा। अब तुम खुद ही बताओ, मैं तुम्हारी पसंद की लड़की ढूंढकर कहाँ से लेकर? देखिए, अब ये तो आपका प्रॉब्लम है ना, सारी माओ की तरह ही आपका ही काम है। अच्छा देखो, एक काम करो मेरा, वहाँ कराची में कोई अच्छी सी लड़की देख के पसंद कर लो। नहीं अम्मी, मुझे मुनासिब नहीं लगता। किसी के घर की बेटियां होती हैं, मैं कैसे? अगर तुम्हारी शराफत का यही आलम रहा ना, तो बस कुंवारे ही बैठे रह जाओगे तुम। बस ये तो आप जानती हैं कि शराफत मेरी कमजोरी है। अरे बेटा, जमाना बदल गया है अब। आजकल तो लड़कों का ये आलम है कि घर आते हैं किसी लड़की को लेकर, कहते हैं ये मेरी बीवी है, इससे मिलिए, मैंने निकाह कर लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। आप जानती हैं मैं कभी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जो अपने घर वालों को छोड़कर मुझसे शादी कर ले। जो लड़की आज अपने घर वालों को छोड़ सकती है, वो तो कल मुझे भी छोड़ सकती है। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, मैं ये ढूंढ लूंगी तुम्हारी लिए लड़की, लेकिन जब मैं लड़की ढूंढ लूंगी, तुम कोई आनाकानी नहीं करोगे मेरे साथ, समझ गए ना? मेरी ये मजाल, बस अपनी लड़की शरीफ, घरेलू और अच्छी होनी चाहिए। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। मैं आपसे बात करता हूँ बाबा, अस्सलाम वालेकुम। हयादार, पर्देदार, प्योर घरेलू मटेरियल।